जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव में आपका फिर से स्वागत है और जबरदस्त स्वागत है। रेलवे एग्जाम डेट घोषित हो गया, आप सभी के चेहरे पे खुशी है, लेकिन सबके मन में एक ही गाना चल रहा होगा कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, रेलवे में रिजल्ट कैसे हो कोई तो बताए। वही तो मैं बताने आया हूँ, वीडियो को अंत तक देखेगा। और ये सवाल अधिकतर स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि भाई अब 3 महीना बच रहा है, पूरा लॉकडाउन बर्बाद हो गया, मैं पढ़ाई नहीं, सिर्फ माइंड में निगेटिव चलते रहा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन अब करें तो क्या करें, यदि बोले गए वचन के अनुसार एग्जाम शुरू हो जाता है 15 दिसंबर को, तो अब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इसी पर मैं बात करने आया हूँ, ताकि आपका रिजल्ट पक्का हो। क्या करें और क्या ना करें, बिल्कुल अंत तक देख लीजिएगा, यहीं पे सारा सॉल्यूशन है। तो क्या करें, तो पहली बात तो 7 सितंबर से 14 दिसंबर तक आप हमें दे दें, 7 सितंबर से 14 दिसंबर तक इतना दिन, ताकि 15 दिसंबर से एग्जाम शुरू होगा तो सबका तो एक दिन होगा नहीं, तो 15 दिसंबर से जहाँ भी बैठे, जो भी एग्जाम में बैठे, कॉन्फिडेंशियल बैठे, ये हमें दें। इतना दिन में आपको जितना भी क्लास अवेलेबल करवाऊँ, एक आपको प्रयास करूँगा कि क्योंकि सभी कुछ ख़त्म करना है, तो हो सकता है 4, 5, 6, 7 कभी 8 क्लास मिल जाए, जैसे भी हो, लेकिन संपूर्ण तैयारी करना है तो 7 सितंबर से 14 दिसंबर हमें देना होगा। क्या करना है पहले हमें यह देखना, तो सबसे पहले आपको सिलेबस तो पता ही होगा भाई, इसका पूरे तरीका से सिलेबस पता होगा कि आपको 90 मिनट का समय मिलेगा अभी और 100 क्वेश्चन होगा, ये अभी तक सिलेबस है। लेकिन हो सकता है सिलेबस फिर से जारी किया जाए, यदि जो लागू किया है कि NRS से लिया जाए तो पता नहीं, हो सकता है। लेकिन यदि रेलवे जो वैकेंसी निकाला इसको क्लियर करके अगला बार से NRA लगाता है, वो क्लियर करेगा, तो इसका 100 क्वेश्चंस का है, 90 मिनट आपका समय है, मैथ्स कितना है आपको पता होगा 60 है, रीजनिंग कितना है आपको मैथ कितना है 30 है, रीजनिंग कितना है 30 है, GK एंड GS एंड करेंट ये सभी मिला दो तो आपका 40, यही आपका अभी तक का CBT 1 का सिलेबस। CBT 2 में यही सब पूछेगा, लेकिन 120 क्वेश्चन। लेकिन क्या करें, तो इसका आधार तो मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ, जो लॉकडाउन का पूरा पूरा इस्तेमाल हमारे साथ किए होंगे वो तो खुश होंगे, गदगद होंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही होगा, लेकिन जो नहीं भी इस्तेमाल किए उन सभी विद्यार्थियों तक लिंक पहुँचा दीजिए। ये 30 मैथ के लिए आपको 6000 वाला का एक एक क्वेश्चन, 6000 मैथ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीर, दोनों बुक का प्लेटफॉर्म Volume 1 Volume 2, एक एक क्वेश्चन यदि आप एक बार बना लिए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी 2 बार बना लिए, कुछ 3 बार भी बना लिए होंगे, तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप उसको पूरा देख लेना, एक एक क्वेश्चन। जो नहीं बनाए हैं कम से कम आप खुद बना, वीडियो देखिए और फिर से बना लीजिए, लेकिन 6000 क्वेश्चन में एक भी नहीं छूटना चाहिए। अभी 6000 क्वेश्चन का जो हार्ड क्वेश्चन है, जो पिछला बार परेशान किया था, अच्छा को हिला दिया था, जो CGL की तैयारी करते हैं उनका भी, तो उसका 5-5, 10-10 क्वेश्चन छाट के अब आपको डेली एक वीडियो मिलने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा प्रयास करूंगा, गलती से ही एक आध दिन गैपिंग होगा, लेकिन ये मिलने लगेगा। तो ये तो मैथ का मैं बेस तैयार कर दिया हूँ। जो चैप्टर कमजोर है उसका मास्टर वीडियो देख लेना, क्योंकि एक एक चैप्टर का मास्टर वीडियो दे चुका हूं, और जो ज्यादा चैप्टर कमजोर है, कभी नहीं पढ़े हो और पढ़े हो तो आपको प्रॉब्लम होता है, तो मैं 4 चैप्टर रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज पूरी तरीके से समाप्त कर चुका हूं, और एग्जाम के पहले मैं पूरा जान लगा दूंगा कि SI CI, टाइम डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नवधारा, टाइम वर्क, पार्ट टंकी भी अपने असाइनमेंट और प्रैक्टिस सेशन के द्वारा खत्म हो जाए। एडवांस मैथ में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ उसे भी समाप्त करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। मैथ के लिए डरना नहीं है। अब आइए रीजनिंग, तो रीजनिंग की बात है तो ये दोनों बुक मिला जाए, प्लेटफॉर्म Volume 1 Volume 2, Volume 1 500 प्लस हो चुका है, Volume 2 भी लगभग 500 हो चुका है। अब 100 क्वेश्चन झेलने के लिए तैयार रहो, डेली 100 क्वेश्चन, कैसे भी करके मैं 100 क्वेश्चन आपको दूंगा, और डेली देखो एग्जाम के पहले पूरे तरीका से, एक एक क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये 5-5 क्वेश्चन में हर तरह क्वेश्चन से आप रूबरू होइएगा, ब्लड रिलेशन पे पूरा कमांड हो जाएगा, रटा जाएगा, डायग्राम वाला पूरा रटा जाएगा, आपका साइलोडिंग पूरा रटा जाएगा, और कथन निष्कर्ष में फंसा था विद्यार्थी पिछला बार, लेकिन ये दोनों बुक मिला ले तो लगभग 1500 आपको कथन निष्कर्ष, 1000 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष मिल जाएगा, और 1000 कथन निष्कर्ष बनाएंगे, कथन निष्कर्ष पे कमांड करने का एक ही उपाय, अधिक से अधिक क्वेश्चन से रूबरू होना, अधिक अधिक क्वेश्चन को बनाना,
उसका अलग से कोई ट्रिक नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गुजरेगा माइंड में, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो रीजनिंग का भी टेंशन खत्म। बाकी जो मास्टर वीडियो होगा मैं अवेलेबल करवाने का प्रयास करूँगा रीजनिंग का भी। अब 40 क्वेश्चन बचा, तो जीके का तूफानी रिवीजन 25,000 जीके का, इसे एग्जाम तक समाप्त करने का पूरा प्रयास करूँगा कि 25,000 जीके पूरे। साइंस का स्पीडी, स्पीडी समान विज्ञान और स्पीडी समान अध्ययन शुरू कर चुका, तो सबसे पहले स्पीडी समान विज्ञान को देखते हैं जिसमें आधा बुक समाप्त कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट जाइए, साइंस का सुनामी वाला प्लेलिस्ट देखिए, लास्ट वाला जितना भी 234 सेट है पूरा समाप्त कर चुका हूँ 500-500 क्वेश्चन करके, और अब तो शुरू से स्टार्ट कर चुका हूँ, 500-500 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा। और इससे भी बड़ी खुशखबरी है कि स्पीडी का समान अध्ययन जो लूसेंट आप पढ़िएगा ना उसका ही वन लाइनर का काम करेगा, तो इसको भी मैं 500-500 क्वेश्चन डेली करके 7-8 पेज क्लियर करने वाला हूँ। ये वाला स्पीडी का समान अध्ययन डेली आपको 8-10 पेज मिलते रहेगा, बस आप उसको देखते रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए, क्लियर है। सामान्य अध्ययन 500-500 क्वेश्चन डेली, तो दोनों बुक क्लियर। अब लूसेंट का बात है तो फिजिक्स में मैं 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स में लिख के ही पढ़ा दूंगा, लेकिन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और बायोलॉजी ये सब क्या करूंगा कि लूसेंट का जो लैंग्वेज बुक है इसका पीडीएफ बना के मैं आपको एक एक लाइन करके पढ़ाऊंगा। आप खुद से पढ़ते होंगे तो बोर होते होंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन कहाँ पे बनने वाला है, क्या क्वेश्चन बनने वाला है वो मैं क्लियर कराऊंगा, उसके बाद वन लाइनर क्लियर कराऊंगा। और लूसेंट ऑब्जेक्टिव से 250 क्वेश्चन डेली मिलेगा, 250 क्वेश्चन, तो हर तरीके से आपके पास 24 घंटे टाइम है, पूरा जान लगा दो, एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो ये तो मैंने बताया कि आपको करना है, पूरा स्ट्रेटजी क्लियर कर दिया। जहां तक करंट का बात है 15 मिनट का एक चैनल धर लो जो डेली करंट अफेयर अवेलेबल करवाता है, उसे देखते रहो, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अभी तक जनवरी से जितना करंट अफेयर है उसको इकट्ठा करके 500 या 1,000 क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवाया जाए जल्द से जल्द, क्लियर। जितना मैं कर सकता हूं, जितना हमसे बनेगा उतना मैं करूंगा। तो ये तो हुआ क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब ये समझ लो क्या नहीं करना है। पहला बात तो है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो आप ज्यादा टाइम देते हैं ये दोनों से बचना है, फेसबुक और व्हाट्सएप से बचना है, क्योंकि भले आपको लगता है कि 2 मिनट देख लेते हैं मैसेज तो क्या होगा, लेकिन 2-2 मिनट करके दिन भर में 20 बार देखते हैं तो 40 मिनट आपका बर्बाद होता है, और 1 सेकंड भी आपका अब महत्वपूर्ण हो गया इतना दिन। किसी को एक्स्ट्रा में फालतू टाइम नहीं देना है, सबसे पहला प्राथमिकता पढ़ाई को देना, उसके बाद ही कोई काम करना, उससे पहले कोई काम नहीं, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब बार बार ये मौका नहीं आएगा, आगे आने वाला समय में क्या होगा क्या पता नहीं, बेरोजगारी भयावह रूप अपनाते जा रहा है। सो प्लीज़ जान लगा दीजिए, जितना संभव हो उतना आप मेहनत करिए, हमसे जितना संभव है आपके लिए मैं अवेलेबल करवाऊंगा जितना संभव हो सके, चाहे मुझे दिन रात में भी जितना मेहनत करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं, बस आप रेगुलर लगे रहिए, सफलता हाथ लगेगी। ये सब नहीं करना, 1 सेकंड भी टाइम बर्बाद नहीं करना, मतलब एक ही चीज सोचना है कि रिजल्ट होना चाहिए, और हमें कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, और कोई थॉट्स ही माइंड में नहीं लाने देना है। लगातार क्या करना है कि हिम्मत नहीं हारना है, न रुकना है न थकना है, लड़ना भी है और लगातार पढ़ना भी है। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा भी गया है कि अभी नींद को जितना मतलब कि त्यागना है त्याग दो, पसीना जितना बहाना है बहा दो, बाद में आपको आराम भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।